एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मीडिया के अंदर कि बहुत सारे लोगों की डिस्कशन रहती है, चर्चा रहता है कि जो बर्ड फ्लू है वो वाइल्ड बर्ड्स में नोटिस किया गया है, तो हमें अलार्म होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बर्ड फ्लू जो है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज ये है जो किसी एनिमल या बर्ड से इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है। जो वाइल्ड बर्ड्स है कई जगह वो हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ, कहीं पोल्ट्री फार्म में, कभी रेजिडेंशियल पे। हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि हम बर्ड्स को फीड करते हैं। जब बर्ड्स को हम फीड करते हैं तो कई बार जो वाइल्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं पोल्ट्री है उसके साथ वो मिक्स होते हैं, वहां से ट्रांसमिशन का खतरा जो बढ़ता है। इसलिए एडवाइजरी भी इशू की गई है कि वाइल्ड बर्ड जो है उनके साथ कॉन्टैक्ट ना किया जाए, कहीं भी अगर इस किस्म का कहीं एबिटेशन में मिक्सिंग होती है। चार पांच लोकेशन पे ऐसे केसेस पाए गए हैं अभी तक जो माइग्रेटरी या वाइल्ड बर्ड्स में ही है, डोमेस्टिक बर्ड्स में नहीं है। लेकिन बायोसेफ्टी मेजर्स जो है वो नोटिफाई की गई है हमारे, जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 28 पोल्ट्री फार्म है, उसमें से लगभग 60-70% एवरेज बर्ड्स उनके पास होते हैं। वहाँ हमारी टीम फ्रिक्वेंटली विजिट कर रही है, और जैसे आप जानते हैं कि पहले बैन रहा है पोल्ट्री के इम्पोर्ट पे, अभी वो लिफ्ट भी किया गया था, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें एनिमल हस्बेंड्री की जो वेटनरी की टीम्स हैं वो भी काम कर रही है, और जो माइक्रोबायोलॉजी की टीम्स हमने डिप्यूट की है। पब्लिक से भी अपील रहेगी कि कहीं कोई ऐसा इंस्टांस या ऐसा कोई सस्पिशियस केस दिखता है तो हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टैक्ट करें। बहुत शुक्रिया। रिपब्लिक डे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज किए जा चुके हैं, परेड या कल्चरल प्रोग्राम या बाकी जो भी इवेंट्स को लेकर। अब जैसे स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी आज को लेकर, जो स्नोफॉल अभी हो भी रहा है, अगर इसमें और बढ़ता भी है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी रखे गए हैं वेन्यू को लेकर और पार्टिसिपेशन को। थैंक यू।